जन सेवा संस्थान रोहतक की पानीपत ब्रांच द्वारा असंदर रोड पानीपत मिलन गार्डन के पीछे भव्य अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जो कि 56 वर्ग गज जगह पर 35,000 वर्ग फीट निर्माण किया जाएगा। इस पर 5 करोड़ की लागत अनुमानित है। इस जगह को सतीश गोयल ने संस्थान को दान में दिया था। रिलायंस महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी परमानंद जी महाराज के सानिध्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसेवा संस्थान मुख्य अतिथि जाने माने उद्योगपति वेलिन कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड के आनंद बंसल और भी कई गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। यहाँ पे इन्वाइट किया गया था, वृद्धाश्रम का जो है शिलान्यास किया गया है, इसके लिए मैं सबसे मजबूत आभार प्रकट करती हूँ आप पत्रकार बंधुओं का भी। और ये जो एक हमारा ये है शिलान्यास हमने किया है वृद्धाश्रम का, इसके लिए हमने बहुत ही अच्छा कार्य है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें हम एक होमली वातावरण दे सकें और उनके लिए अच्छा हम कुछ कर सकें, ताकि वो अपनी जिंदगी और अच्छे से काट सकें, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी अपने बच्चों है। बहुत अच्छा एक शहर को ऐसा सेवा का उपक्रम, एक ऐसा केंद्र मिला है, मिलेगा, जिसमें हमारे बुजुर्गों को रहने सहने की उनकी तमाम व्यवस्थाएं, और इतना ही नहीं हमारे यहाँ पर मैं कहूँगा कि हमारा बुजुर्ग कैसे एक ऐसी जिंदगी जिए जो घर में भी हो परिवार में भी हो उसके साथ, उसको घूमने की बैठने की उठने के लिए अपना समय ठीक से व्यतीत करें। और इस तरह के सेवा भाव के साथ समाज आगे बढ़ के आया। मैं आज मंच से भी उनको कहा है कि हर तरह का सेवा इस नेक काम के लिए, जहां वृद्धों की सेवा के लिए और अनाथ बच्चों के संस्कार का आश्रम, उनकी चिंता बिल्कुल एक परिवार के बच्चे की तरह करने वाला एक संस्थान हमारे यहाँ पर बन रहा है। और सारा समाज, मैं कहता हूँ पूरे समाज के भामाशाह यहाँ पर इकट्ठा थे, और मैं समझता हूँ इस संस्थान का नाम पूरे